भी शर्त पर देखिए गुजारिशी है कि ये लॉन्ग मार्च अनाउंसड है, पीडीएम ने अनाउंस किया था, पीपल्स पार्टी और एनपी के दोस्त भी इसमें शहीद होंगे इंशाल्लाह ताला, और मौलाना साहब कल इसके हवाले से तफसीली प्रोग्राम पेश कर चुके हैं। तो आपको क्या नहीं लगता कि तसादुम का खतरा हो सकता है, एक जानी पीटीआई के कारकुन होंगे, एक जानी आप लोगों के होंगे? तो हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन हमेशा तसादुम को रोकना अवलीन जिम्मेदारी हुकूमत की है, और अगर हुकूमत पीछे हटे तो एक सिचुएशन बन सकती है, या कोई ऐसा या ये है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है, वो अपना जलसा अलग कर लें, हम अपना जलसा अलग कर लें, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के काम है, उनका एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो चीज़ों को रोके। यहाँ तो उल्टा काम चल रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुकाबला करने के लिए और लाखों आदमी लाने की धमकियाँ दे रहे हैं, और कहते हैं कि जी आप इसको क्रॉस करके वोट डालने जाएंगे, ये तो कोई जमहूरी है, वो कहते हैं हम डीचो पर करेंगे, आप भी डीचो पर। चौधरी ब्रदरान के बयान पे क्या क्या कहेंगे? गुजारिश है जनाब के हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन को कायम करे, और अगर हुकूमत कायम करना चाहेगी अमन को तो कौन ऐसा आदमी है जो फसाद चाहेगा? चौधरी ब्रदरान के बयान में क्या कहेंगे जो कहे कि हमने हुकूमत हम उसके साथ नहीं है, क्या कहेंगे उस हवाले से? थोड़े दिन बाद कहेंगे चौधरी साहब।